एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से आहत है, वहीं हर जगह इसके बचाव का एकमात्र रास्ता लॉकडाउन के द्वारा प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ अब महामारी से बचने के लिए लोग अब बजरंग बली की शरण में जाकर कह रहे हैं कि इस महामारी से हम लोगों को बजरंग बली ही बचाएंगे। देश भर में रामनवमी को लेकर भगवान राम भक्त हनुमान की ध्वजा गाड़कर पूजा अर्चना होती रही। वहीं इस कोरोना महामारी में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां रामनवमी को लेकर लोगों ने इस महामारी से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना की। दरअसल बेगूसराय में NH 31 पर शहर का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर आज भक्तों की भीड़ उस वक्त दिखाई पड़ी जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रामनवमी को लेकर लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर इस प्रसिद्ध मंदिर में ध्वजारोपण कर भगवान संकट मोचन की पूजा अर्चना की। भक्तों का कहना है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, बस अब एक ही उपाय है, संकट मोचन हनुमान इस महामारी से बचा सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग संकट मोचन हनुमान के चरणों में आए हैं और भारत सहित पूरे विश्व का अगर इस महामारी से कोई कल्याण कर सकता है तो वो है संकट मोचन हनुमान। वहीं लोगों ने लॉकडाउन को लेकर PM मोदी की भी जमकर सराहना की और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। बहरहाल पूरे दुनिया में कोरोना की दवाई को लेकर तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं और लोगों के सामने कोई उपचार दिख रहा है तो वो है आस्था। बेगूसराय लॉकडाउन के कारण आज बहुत शांति, यहाँ की जनता अपने अपने घर में है और आज बजरंगबली का दिन है। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि इस कोरोना को भगाने में आज के डेट में हमारे महान बजरंगबली हैं, इन्हीं से हम लोग सहयोग मांगते हैं और बजरंगबली ही आज कोरोना की ख़त्म करेंगे। आज हमारे देश में, भारत में, भारत के नागरिक के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुहार लगाते हैं कि अपने अपने घर में रहें, कोरोना से दूर रहें, और कोरोना से लड़ना है तो भारत की जनता लड़कर उसे दूर भगाना होगा। और भारत में हम लोग भारत के नागरिक हैं, सभी जनता के लिए भगवान हनुमान जी से मनाते हैं कि हमारे भारतवासी को कोरोना से बचाना है। हम तो सब हर रोज़ आते हैं मंदिर में पूजा करने, आज भी आई हूँ कि देश कोरोना से प्रभावित है, इसलिए भगवान बजरंगबली इस आपदा को ठीक करें। दुनिया भर में इसका कोई इलाज नहीं है, सब अब घर में रहिए, सुरक्षित रहे और भगवान की आस्था कीजिए, यही हम लोग को बचा सकता है। अभी इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि इसका एक ही रास्ता है।